हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मालविका। सो गाइस, ये है फ्लैक्सीड क्रीम, जिसे हम अलसी भी बोलते हैं और तीसी भी बोलते हैं। गाइस, फ्लैक्सीड क्रीम आपके स्किन को यंगर लुक देता है और आपके स्किन को स्मूथ, ब्यूटीफुल, हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी करता है। बेसिकली ये आपकी स्किन को एक यंगर लुक और फ्लॉलेस स्किन आपको प्रोवाइड करता है। इसमें फैटी एसिड होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करके आपकी स्किन को स्मूथ करता है। इसके साथ साथ फ्लैक्सीड में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी होती है, जो एजिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइन और आपकी स्किन को टाइटन बनाता है। तो गाइस, ये क्रीम आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है और हेल्दी बनाने के साथ साथ ब्यूटीफुल सा ग्लो भी देती है आपकी स्किन को। तो जल्दी से चलिए और देख लेते हैं कि ये क्रीम कैसे बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये अलसी लेंगे 1 कप, उससे भी कम लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी रख दिया था उबलने के लिए। पानी जब खौलने लग जाए तो आप उसमें अलसी के बीज डाल दीजिएगा। 10 मिनट तक आपको इसे पकाना है। 10 मिनट तक जब इसमें गोंद सा निकलने लग जाए, जेली सा, तो आप उसे बंद कर दीजिए अपने स्टोव को। इसके बाद इसे छान लेना है। ये जेल थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से ये छन्नी से नहीं छन पाएगा, तो आप कपड़े से ही इसे छानिएगा। बट गाइस, अपना हाथ मत जलाना आप। जब हल्का ठंडा हो जाए तभी आप इसे छानिएगा। अब इसे हम, ये थोड़ा गाढ़ा है और थक्का टाइप का है, तो इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। एक पेस्ट टाइप में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और ये आप देख सकते हो कि ये एक पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल और विटामिन ई की गोली। मुझे कम ही बनाना था, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लूँगी और एक ही केवल मैं विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी। और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इतना मिक्स करना है कि ये आपका वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए। गाइस, अलसी हमारे हेल्थ और हमारे आईज़, हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इसे यूज़ करो और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और देखिए, मैं यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, मिक्स 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 करते जाना है। अब इसमें मैं, जब आप मिक्स कर लेना, तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें फ्लैक्सीड जेल मिलाऊँगी, ऐड करूँगी, फिर अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। थोड़ा थोड़ा लेकर के ही आपको करना है, इकट्ठा बिल्कुल नहीं करना है। फिर मैं लूँगी और फिर से मैं उसमें ऐड करके फिर से अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसे। मिक्स करने के बाद मैं 3 से 4 चम्मच इसे ऐड करके मैं मिक्स कर लूँगी। ये क्रीम आपको अप्लाई कैसे करना है? रात में सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो। चाहो आप तो आप इसे दिन में भी लगा सकते हो। और इसे एयर टाइट कंटेनर में ही आपको रखना है, उसमें अच्छे से ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहते हैं तो 1 वीक के लिए रख सकते हैं, और अगर फ्रीज में रखना चाहते हैं तो 20 दिन के लिए आप बिल्कुल रख सकते हैं इसे। सो गाइस, मैंने जब इसे अप्लाई किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था। और फ्लैक्सीड हमारे एजिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन एंड टाइटन बनाता है, और इसे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है हमारी स्किन को, और ग्लो प्रोवाइड करता है। तो गाइस, आप इसे ज़रूर अप्लाई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हुआ। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर सभी नई वीडियोस से आप अपडेटेड रहो। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।